गुलबर्गा शहर में दरवेश वेलफेयर सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट महमूद शाह और दीगर नौजवानों ने हफ्त गुम्मत से कंदरा भवन तक रैली की शक्ल में जमा होकर बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस मौके पर बीएसपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शन्नू सुगुर और दीगर बीएसपी पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं मौजूद थे। तमाम की मौजूदगी में महमूद शाह और नौजवानों का ग्रैंड वेलकम किया गया और बीएसपी पार्टी के जिम्मेदारों ने महमूद शाह को सिटी प्रेसिडेंट बनाने का वादा भी किया है। गुलबर्गा नॉर्थ की तरफ से पार्टी का एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया है, बहुजन समाज पार्टी का तरफ से ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा है और इस मौके में और इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के राज्य प्रधान कार्यदर्शी महोदय धन्नी जी का सर मैं सबको आप सबकी तरफ से इस कार्यक्रम को स्वागत करता हूँ। दरवेश वेलफेयर सोसाइटी के स्टेट के प्रेसिडेंट और वक्त बोर्ड के एक्स मेंबर रह चुके हैं हमारे महमूद शाह, बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देश का हालत खराब रहते हुए उन्होंने देखकर ये जानकर मजबूत कर पार्टी को मजबूत करते हुए आज हमारे सबके साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक उनको स्वागत करता। जय भीम जय मीम। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मेरे को संविधान बचाना है। सबसे पहले संविधान बचाने के लिए ये बीएसपी पार्टी मेरे को बहुत अच्छी दिखी, उसके लिए हम सब पूरी टीम के साथ, मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर भी था और मैं बहुत सारे काम भी किया हूँ अपने एरिया में सोशल वर्क के तौर पर बीएसपी पार्टी की मेरे को आइडियोलॉजी बहुत अच्छी दिखी, सेकुलर पार्टी दिखी, उसके लिए हम बहुत दिल से पूरी मेरे टीम के साथ मैं पार्टी ज्वाइन करूं और इंशाल्लाह मैं जितना हो सके उतना हमारे लोग के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए काम करूंगा इंशाल्लाह। का नाथ के जानिब से आज जितने भी कांग्रेस जेडीएस छोड़ के जो हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, उन सभी को बहुजन समाज पार्टी के तरफ से तहे दिल से उनको वेलकम करते हुए और इस मोमेंट का हालात का ज़रूरत यह है कि आज कांग्रेस मुसलमानों के साथ नहीं है, आज कांग्रेस जनता दल के साथ नहीं है, जनता दल भी मुसलमान के साथ नहीं है, क्योंकि आज कर्नाटक में देश में जो हादसे हो रहे, जो इशू हो रहे, वो हलाल कट हो या हिजाब का हो या मस्जिद के अजान के ऊपर हो, ये कुछ ना कुछ इशू लेके आ रहे हैं और बाकी सब बीजेपी आरएसएस के लोग तो सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और जनता दल वोट के खातिर पीछे, आरएसएस के बात सुन के पीछे जा रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी में जो जितने भी हमारे साथी जनता दल कांग्रेस छोड़ के आए कि आज अपना मुकाम बहुजन समाज पार्टी ही है, क्योंकि जितना जितना जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना भागीदारी मिल सकता है तो वो खाली बहुजन समाज पार्टी में है। आज गुलबर्गा में खास करके सबसे ज़्यादा तादाद मुस्लिम समाज का है, बैकवर्ड समाज का है, दलित समाज का है, लेकिन सत्ता में इनका कोई भागीदारी नहीं होने के वजह से इनको हर चीज़ से तकलीफ हो रहा है। ज़्यादा करके जो पुलिस इनकी तरफ से तवज्जो नहीं दे रहे, आरएसएस के खुलेआम छोड़ रहे, तो आज ये सभी चीज़ों को बेहद ठुकरा कर आज बहुजन समाज पार्टी में आ रहे है और जितने भी आज कांग्रेस छोड़ के आए उन सभी साथियों को मेरा अदमन गुजारिश है, ये सत्ता के लिए बहुजन समाज पार्टी नहीं, इस ये पूरा सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी है। सरकार बने या न बने, लेकिन हमारा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन जरूर जारी रखने के लिए आपका काम इधर होना चाहिए और हम सत्ता पूछना है और MLA बनना है, MP बनना है और कांग्रेस BJP है। हम इस देश में गरीबी हालत ख़त्म करना है, इस देश में जातिवाद को ख़त्म करना है, इस देश में महापुरुषों का विचारधारा को लेके आगे बढ़ने के लिए आज हम बहुजन समाज में जो आप ज्वाइन हो गए, आगे चल के ये झंडा लेके हर घर घर में, गली गली में, हर कम्युनिटी को ये समझाना है, बहुजनों को राज लाना है, तो हम अपने पार्टी में शामिल होना है और हम आज आपको फिर से आपको वेलकम करते हुए, आज से आप बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा है और आपके लिए पार्टी
और वो कोशिश करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में गुलबर्गा नॉर्थ आज बहुजन समाज पार्टी में कई पार्टियां छोड़कर जनता दल कांग्रेस छोड़ के ज्वाइन हो गए, सभी मेरे बहुजन समाज पार्टी में उनका आदर स्वागत करता हूं। और इस मौके पर इस देश में हमें कई तकलीफें हो रहा है, इसलिए हम बहुजन समाज को जात छोड़ना है, छोड़ने के बाद हमें आगे वाले दिन में हमारे खुद का एक सरकार बनाना हमारा मेन मुद्दा है। इस देश में जिसके जितने संख्यादारी उसकी उतनी भागीदारी के हिस्सा के हिसाब से हम काम करते हैं, इसलिए सभी लोग आज पार्टी ज्वाइन हो गया सबको, मैं फिर और एक बार डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष होने के नाते से मैं उनको सबको और एक बार वेलकम करता हूँ। आज बीएसपी पार्टी का ज्वाइनिंग प्रोग्राम है और मोहम्मद शाह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बने, बहुत खुशी की बात है। और पूरे हमारे जो गुरु साहब हैं गुलबर्गे के, हमारे सदर साहब हैं पार्टी के, ये सब बहुत धन्यवाद करता हूँ जो पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। और ये पार्टी क्या है, एक रुपया किसका लेती नहीं, किसको देती नहीं, और ये पार्टी सिद्धांत पर चलती है। और ये पार्टी क्या है, हर एक का साथ, हर एक का विकास करती है। मोदी जो बोलता है झूठ बोलता है, ये पार्टी जो बोलती है सच बोलती है, इसलिए हम इसके साथ ज्वाइन करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं।